मॉर्निंग चिल्ड्रन, हमने पिछली क्लास में रीड एंड अंडरस्टैंड में क्या पढ़ा था, फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ा था कि फ्रेंडशिप के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, यानी केयर और ट्रस्ट सब की ज़रूरत होती है। आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स हैव अ सेंस ऑफ इक्विटी इन देयर माइंड एंड नो दैट एनी वन ऑफ देम मे नीड केयर एंड सपोर्ट एनी टाइम। जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें एक दूसरे को समझने की होती है और ये भी पता होता है कि किसी को भी किसी की भी किसी समय भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि एक दोस्त को ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, दूसरे को ज़रूरत कम पड़ रही है। डेडिकेशन एंड ट्रस्ट। डेडिकेशन मतलब हम जैसे कि किसी काम के प्रति समर्पित, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, क्या होता है समर्पण। एंड ट्रस्ट मतलब विश्वास। तो जो समर्पण और विश्वास आर वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द फ्रेंडशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम एक दूसरे को समर्पण करेंगे, समर्पण मतलब हम एक दूसरे पे विश्वास करेंगे कि हम एक दूसरे, अगर वो हमें कोई काम कर कहता है तो हम उसका काम कर देते हैं, और अगर हमें वो कोई काम कहेगा तो हम उसका कर देंगे, वो भी हमारा काम कर देगा, और हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, तभी हमारी दोस्ती जो है वो मजबूत होगी। यानी हमेशा अपने दोस्त पे क्या रखिए, ट्रस्ट रखिए। लाइक जो फ्रेंडशिप है उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है ट्रस्ट की, और ट्रस्ट के बीच में यानी जो रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में उसमें हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए। दोस्तों के बीच में फेथफुलनेस होनी चाहिए। आर वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द फ्रेंडशिप फॉर लॉन्ग टाइम। समटाइम्स ग्रीडी पीपल बिकम अनएबल टू लीड देयर कुछ समटाइम्स। कई बार क्या होता है, ग्रीडी पीपल मतलब लालची लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिकेम अनेबल टू लीड देयर फ्रेंडशिप फॉर अ लॉन्ग। कई बार जो लालची लोग होते हैं वो अपनी दोस्ती को ज़्यादा दिन तक क्या करते हैं, निभा नहीं पाते, बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ डिमांड्स एंड लैक ऑफ सेटिस्फिकेशन। एक दूसरे पे जो क्या होता है, जो लॉट्स ऑफ डिमांड, एक दूसरे की जो डिमांड बढ़ती जाती हैं और क्या होता है, संतोषजनक नहीं होता, एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता, संतोषजनक कमी, जो संतोष होता है उसमें कमी होती है, तब क्या होता है, हमारी जो फ्रेंडशिप है वो कम होने लगती है। सम पीपल मेक फ्रेंडशिप जस्ट टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट एंड डिमांड। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसलिए दोस्ती करते हैं ताकि उनके जो डिमांड्स हैं, उनके जितने शौक़ हैं वो पूरे हो जाए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी, आप उससे फ्रेंडशिप कर लेते हो, क्यों, ताकि सिर्फ आप उसकी गाड़ी में घूम सकें। कई बार आप जैसे क्लास में पढ़ते हो तो किसी दोस्त के पास बहुत अच्छी पेंसिल, आपका भी मन करता है कि मैं उस पेंसिल से लिखूं, तो आप क्या करते हो, उससे दोस्ती कर लेते हो कि यार ये तो ना, इसके पास तो बहुत अच्छी पेंसिल है। तो क्या होता है, उसमें हमारी क्या होती है, ग्रीडीनेस शामिल होती है, यानी हमारा लालच होता है, जबकि फ्रेंडशिप में कभी भी लालच नहीं होना चाहिए और कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। ट्रू फ्रेंडशिप कैन बी बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है वो ह्यूमन और ह्यूमन यानी आदमी और आदमी के बीच में होती है, एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स, और कई बार क्या होता है, इंसान और जानवरों के बीच में। जैसे आपने डॉग के, कैट की, ह्यूमंस के साथ दोस्ती देखी है तो वो बहुत ही फेथफुल होते हैं, उनकी दोस्ती कई बार इंसानों से भी ज़्यादा मजबूत होती है। देयर इज़ नो एनी डाउट दैट बेस्ट फ्रेंड हेल्प इन आवर डिफ़िकल्टीज एंड बैड टाइम ऑफ द लाइफ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो हमारी मुश्किलों में और हमारे बुरे समय में हमारा साथ देते हैं। फ्रेंड्स ऑलवेज ट्राई टू सी अस इन आवर डेंजर्स एज वेल एज प्रोवाइड टाइमली एडवाइस। हमारे जो दोस्त हैं वो क्या करते हैं, फ्रेंड्स ऑलवेज ट्राई टू सी अस इन आवर डेंजर्स, और हमारे हमेशा मुश्किल जब हमारी घड़ी आती है तब वो हमारा साथ देते हैं और हमें सही एडवाइस देते हैं। ट्रू फ्रेंड्स आर लाइक बेस्ट एसेट्स ऑफ लाइफ। जो हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी बेस्ट एसेट यानी हमारी धरोहर, हमारी सबसे अच्छी एसेट्स मतलब पूंजी, जो जमा पूंजी है ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ की सबसे अच्छी जमा पूंजी है। दे शेयर आवर सोरो सुद और आवर पेन, और वो हमारे दुख और हमारे दर्द को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एंड मेक अस फील हैप्पी, और हमेशा हमें क्या करते हैं, खुशी देते हैं। ओके तो ये तो हमने आपके बताया फ्रेंडशिप के बारे में। तो देखिए टॉक अबाउट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू शेयर योर हैप्पीनेस विद योर फ्रेंड्स। क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हैप्पीनेस शेयर करते हो, येस। टॉक अबाउट एनी टू ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वाई यू लाइक देम द मोस्ट,
इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड और उसकी कोई भी क्वालिटी जिसके कारण वो आपको अच्छा लगता है. डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड, और जब आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत महसूस होती है तो क्या आप उनकी हेल्प करते हो? हाँ, तो इन क्वेश्चंस के बारे में आप लोग सोचिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू.